29 अक्टूबर को प्रिया शर्मा एक प्रवक्ता का बिजनौर कस्बे में 10 बजे गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसका पति कमल शर्मा ने सुपारी देकर के 5.5 लाख रुपए का 4 बदमाशों के द्वारा इसकी हत्या कराई थी। मौके पर 3 बदमाश थे, सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश आए थे। पूरे घटना के छानबीन क्रम में लगातार चेकिंग चल रही थी। आज धनतेरस के अवसर पर वाहन चेकिंग के दौरान 2 बदमाश भागे, पुलिस ने चेज किया। बिदुरकुटी के जंगल में मुठभेड़ हुई, पुलिस पर फायर किया, आत्मसुरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश राजू को पैर में गोली लगी, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इस पर 1 तारीख को 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। एक मोनू नाम के सिपाही को भी हाथ में गोली लगी है। दोनों का इलाज कराया जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।